कैसी हो शाना? चाची कैसी है? उसके हाल के बारे में तुम्हें पता ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? देखो तुम घुमा फिरा के बातें मत करो, जो तुम्हें बोलना है साफ साफ बोलो। तो फिर साफ साफ सुनो, तुमने मेरी मदद इसलिए मांगी थी ताकि तुम प्राची को ये दिन दिखा सको, तुमने उससे शादी इसलिए की ताकि तुम उसे बीच रास्ते पे छोड़ सको। तू रो रही थी, तुम्हें पता है मुझे देखो ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुम जाओ उसके पास, उसे सॉरी बोलो, उससे माफी मांगो और उसको घर लेकर जाओ। रणबीर, प्राची रो रही है, she was crying बीच सड़क पर, और तुम अनजान क्या मत रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है तुमने किया होगा जो किया होगा। रणबीर अब भाग कर रहे हो तुम। बेटा ओके, सो यू गाइस डिस्कस अबाउट इट, एनी क्लेरिफिकेशन आई एम हियर। ओके या थैंक यू। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुमने भी मुझसे मदद मांगी थी ना उन दोनों की शादी करवाने के लिए। एक एक सेकंड, चिल चिल चिल, आई मीन इतना जल्दी इतने पीछे का फ्लैशबैक थोड़ा रिकॉल करने दो यार। क्या रिकॉल करना है? तुम आए थे ना मेरे पास मदद मांगने, हमने उनकी शादी इसलिए करवाई थी कि ताकि वो शादी के बाद भी दुखी रहे, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। रिलैक्स, तुम मिली हो प्राची से अभी? हाँ, क्यों? मतलब तुम पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और क्या होगा। लिसन, रणवीर ने रिया से शादी कर ली। बीच सड़क पर, और तुम अनजान क्या मत रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है तुमने किया होगा जो किया होगा। छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जाहिर सी बात है, अगर जो अपने आंसू छुपाता है तो उसका ये मतलब होता है कि उसके दिल में कोई ऐसी चीज है जो वो छुपा रहा है। तो क्या छुपा रही हो तुम? मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं। शाहना ने मुझे सब बता दिया। मां बनने वाली हूँ, सच सच में। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। झूठ बोल रही शान, जो भी बोला है ना तुमसे वो झूठ है, वो कहानियां बना रही है, ऐसा कुछ है नहीं, वो झूठ बोल रही। प्यार करती हो मुझसे? मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, और इसीलिए तुम्हें बहुत गुस्सा आया जब तुमने मुझे और रिया को साथ में देखा, और उस गुस्से में तुम घर आई, तुमने घर पे आके वो सब ड्रामा किया और सबको सुना दिया। लेकिन अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है, तो तुम्हारे अंदर के जो इमोशंस है ना वो निकल के आ रहे, जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, इसीलिए तुम घर से भागी, तुम रोड पे रो रही थी। क्या है तुम्हारे दिल में? प्यार है, नफरत है, क्या है? घर में वापस आने की वजह क्या थी प्राची? क्या छुपा रही हो मुझसे? चलाती है उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही से सकती है सांस। जो था सब कुछ बता दिया, अब ऐसे सवाल पूछकर ये मत दिखाओ कि बहुत फिक्र है मेरी।
ये कंसर्न, ये प्यार, ये सब मत दिखाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। हाँ जी, मैं मानता हूँ हमारे बीच में जरूरतें नहीं है, बट हमारे बीच में कुछ तो इमोशंस है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ ऐसे खींचा चलाया। तुम्हारी तरफ से अगर कोई रिश्ता ही बचा नहीं है तो इमोशंस कहाँ से आएंगे रणबीर? मैंने इस रिश्ते की डोर छोड़ दी, लेकिन तुम तो थाम सकती हो ना इस रिश्ते की डोर। मानता हूँ हमारे बीच में इमोशंस नहीं है, पर कुछ दर्द तो है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे आंसू देख के ना मेरा दिल रो रहा है। पर क्यों क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ये जान तो है भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं, तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे देख के प्यार नहीं आता तुम्हें, मुझे देख के बहुत गुस्सा आता है। तब भी मैं तुम्हें इस हालत में क्यों नहीं देख सकता? मैं जानता हूं तुम सिर्फ मेरा बुरा चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा होते क्यों नहीं देख सकता? जवाब तो पास तुम मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गली। सॉरी दीदा, आपको लग रहा होगा ना मैं इतनी बदतमीज हो गई हूँ, कैसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पुत्र, जब नतीजा अच्छा हो ना तो तरीका कोई गलत नहीं होता। तू तो अपने हक के लिए लड़ रही है ना, उसके लिए सिर्फ ना अच्छा सोच, किसी का बुरा नहीं। आप किसी और में थोड़ी ना आती है दीदा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके सामने ये सब ड्रामे हो रहे। किसे अच्छा लगता है ये सब देखना? अच्छा तो नहीं लगता, पर तसल्ली जरूर हो रही है कि ये दो साइड के सागर मंथन में ना शायद अमृत निकल आए और घर की सुख शांति वापस आ जाए। पुत्र, मुझे तेरा बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लग रहा है, जो घर में किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा, खास करके उस रिया को। मेरा ना कलेजा ठंडा हो जाता जब तू उसे मुंह तोड़ जवाब देती, ऐसे होना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये बहुत पहले हो जाता। मैंने तो तुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, उसका असली चेहरा भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे समझाने में कोई कमी रह गई थी जो तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दी। नहीं नहीं दीदा, आप ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मैंने ही अपनी आंखों पे भरोसे की पट्टी बांध रखी, पहचान नहीं पाई किसी को। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, तब भी जब पहली बार शादी करके आई थी इस घर में रणबीर के साथ, और तब भी जब कल अकेले आई थी। लेकिन मेरे अकेले के साथ देने से क्या होगा बेटा, उसे तेरा साथ देना चाहिए जिसने जिंदगी भर तेरा साथ देने का वादा किया है। जिससे अपना हक मांगना पड़े उसे साथ कैसे मांग सकते? पर आप है ना मेरे साथ, आप है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, अगर ये सब मेरे साथ है तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बच्ची, भगवान करे तुझे अब कभी लड़ने की जरूरत ना पड़े, और कभी जरूरत पड़ी ना तो ये तेरी दादी हमेशा तेरे साथ रहेगी। मुझे टेंशन हो रही। टेंशन? वो प्राची मेरी रिया के साथ ऐसे बिहेव कर रही तो मेरे पीठ पीछे कैसे बिहेव करेगी? और रणबीर, वो तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है, अब तो मुझे मेरी रिया की टेंशन हो रही। रणबीर को लेके तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आलिया, रणबीर वही कर रहा है जो हम चाहते हैं। प्राची को घर लाना चाहता है। Don't blame him for this. प्राची का घर में आना, इसमें रणबीर का कोई हाथ नहीं है। हम चाहते थे कि वो रिया से शादी करे और उसने वही किया। तो क्या एहसान किया? उसे तो रिया से बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी, अगर शादी कर लेता ना तो ये सब होता ही नहीं। तो सोचो अगर शादी नहीं की होती तो क्या होता? मतलब कि ये भी ऑप्शन था तुम्हारे दिमाग में? मम्मी, बूजी, व्हाट इज हैपनिंग? आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा? और अगर ये प्राची नहीं देख लिया ना तो वो तो खुश हो जाएगी ना, उसे लगेगा कि उसने जैसे इस घर में कदम रखे हम सब आपस में लड़ने लग गए। हमें प्राची को इस घर से निकालना है, अगर वो इस घर से नहीं गई ना तो रणबीर से मेरी शादी होना या ना होना दोनों बराबर है। हमें प्राची को रणबीर की लाइफ से लीगली निकालना है और उसके बाद
इस घर से। रिया मैं भी वही चाहती थी, लेकिन ये प्राची पूरी तैयारी के साथ आई है। उसके पास कानून का भी सपोर्ट है और एनजीओ का भी। वो इतनी आसानी से रणबीर की लाइफ से निकलने वाली नहीं है। जब से इस फैमिली में आई है सबका जीना मुश्किल कर रखा है उसने। आई जस्ट होप कल वो मेरी रोटरी क्लब की फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा ना करे। आई होप मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मेरी रोटरी क्लब का इवेंट है हमारे घर में। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रही है, उनमें से एक का बर्थडे है कल। वो घर पे अकेली है इसलिए हमने सोचा उसका बर्थडे हम यहाँ स्पेंड करेंगे। अगर प्राची सब कुछ ठीक से होने दे तो कोई गड़बड़ ना करे वो। क्या मैं इस पार्टी में कल आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स आ सकती हूँ। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ आलिया। पार्टी एंजॉय करने नहीं आ रही, प्राची पे नजर रखने आ रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्राची की वजह से मेरी रिया ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सके। I'm sorry, रिया, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई तो तुम अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई। But I'm back now. शादी तो क्या, प्राची ने रिया को एक नॉर्मल फैमिली लाइफ तक एंजॉय नहीं करने दी। पूरी फैमिली को परेशान कर रखा है इस लड़की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं थी आज वो इतना कुछ बोल गई। कल देखती हूँ उसे। पल्लवी, तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारी बहू की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भतीजी रिया की भी जिम्मेदारी है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ऑफ कोर्स, यू डोंट हैव टू वरी, रिया इज सेफ विद मी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं भी चलती हूँ। आई विल सी यू टुमॉरो। बूजी, कल प्लीज जल्दी आ जाना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है मतलब? क्योंकि इस प्राची ने मुझे चैलेंज दिया है कि 3 दिन में मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। तो तुम कल सुबह उसे कहना कि 3 दिन में तुम नहीं वो जाएगी इस घर से। वो कैसे? क्योंकि बूजी हम उसे डायरेक्टली इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, पुलिस इन्वॉल्व है। अगर हमने कुछ भी किया तो पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस कल कुछ नहीं करेगी। अगर तुम वो करोगी जो मैंने सोचा है। आपने क्या सोचा है? This is amazing. This is really gonna work. तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कल का वेट करो, कल के बाद प्राची ज़्यादा दिस हाउस। कल का वेट कैसे करूँ? I don't think I can wait. मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज रात को नींद आएगी या नहीं। I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye. Oh my God, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो वर्क भी कर जाएगा और रणबीर को पता भी नहीं चलेगा और दीदा कुछ कर भी नहीं पाएगी। एंड प्राची इस घर से आउट। प्राची, प्राची सही है, जब तक प्राची नहीं आती तब तक जल्दी जल्दी नहा लेता हूं। यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। तुम मुझे बोलोगी मेरा बाथरूम है, मैं बोलूंगा मेरा घर है। मैं वो सब करने नहीं आया हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट्स। तो क्लाइंट है, तुम्हें ये बोला है कि दूसरों के बाथरूम में जाके नहाओ। मैंने भी तुम्हें कल बोला है ना कि मैं इस वॉशरूम में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज मुझे आना है। क्या कंफर्ट मिलता है तुम्हें यहाँ पे? अगर गेस्ट रूम में होते ना तो आराम से नहा लेते उस बाथरूम में। अरे मैं गेस्ट रूम में गया था नहाने के लिए, पर वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये ना शैम्पू है ना सोप है ना कुछ नहीं, और यहाँ पे मेरा सब कुछ है। अब क्या करियो, क्या करियो? किलो तुम्हारा सामान, ये तुम्हारा शैम्पू, ये तुम्हारी सारी चीजें, ये लो और जाओ यहाँ से नहा लो। तुम मुझे परेशान करने आई हो ना? ये कैसा परेशान करना? परेशान तुम मुझे कर रहे हो। यू नो व्हाट, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ? मैं जो चाहे वो करूंगा, मैं अपने वॉशरूम में ही नहाऊंगा। मैं यहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें नहीं रहना तुम बाहर जाओ, तुम्हारी मर्जी। आई डोंट केयर। क्या कर रहे हो तुम? अपने कपड़े उतार। एंड आई डोंट माइंड, मैं अपने कपड़े उतार सकता हूँ तुम्हारे सामने। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
क्या स्टॉप इट हाँ बस इतना ही देख सकती हो तुम। तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूं मैं। मेरी तरह समझदार भी नहीं हो तुम। तो थोड़ी समझदार होती तो तुम्हें अकल होती किस टाइम पे झगड़ना होता है और किस टाइम पे झगड़ना नहीं होता है। अब तुम प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ ताकि मैं नहा सकूं। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने का। तुम मुझे देखना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। क्या गौर क्यों रही हो मुझे? तुम बहुत रूड रूड बातें करो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के स्वीट रहूं हमेशा। तुम्हारी स्वीटनेस चाहिए भी नहीं मुझे। तुम मेरी स्वीटनेस अफोर्ड नहीं कर सकती हो। क्या हुआ? अब बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अब लेट नहीं हो रहा। दो बातें क्या कर ली, चीचड़ की तरह चिपक ही गए। तुम ना मधुमक्खी जैसी हो, तुम ना आके सीधा टंक मार देती हो। मधुमक्खी? मधुमक्खी वैसे तो मीठा मीठा शहद बनाती है लेकिन जब टंक मारती है तो पूरी की पूरी बॉडी सुझा देती। तो सीखो ना मुझसे कुछ। लाइफ में हर किसी को अपना पर्पस बदलना पड़ता है कभी ना कभी। जो हेल्दी शहद देती है वो वक्त आने पर टंक मार के हेल्थ खराब भी कर सकती है। ना ले लिया तुम्हारा सारा ज्ञान ले लिया मैंने, मैं समझ गया हूँ ठीक है। अब प्लीज यहाँ से चली जाओ वरना तुम मुझे बोलोगी मैंने तुम्हें नहला दिया अपने साथ। नहीं बोलूंगी, कर लो जो करना है। यार प्लीज जाओ ना यार। एक तो ना मुझे यार मत बोलो। अरे यार तुम्हारे और रिया के बीच में तो मैं कब से फंसा हूँ। प्लीज तुम आओ ना, मुझे तुम्हें गले लगाना यार। गले लगा के मैं तुम्हारे साथ बस चुपचाप सोना चाहता हूँ। तुम ना मेरे को ऐसे मना मत किया करो यार अपने लिए काम करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ करना। साइड हटो। बहुत सिंपल है दरवाजा खोलना। इसको ऐसे नीचे करो और ऐसे आके साइड में धक्का दो और पीछे धक्का। क्या हुआ? नीचे करो आगे करो, हो नहीं रहा है। This is done. This. Listen. इससे ज़्यादा overcrowded मत करना, okay? I want it to be classy and sober. Get that? हम अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। सुबह से मैं ही तो बोले जा रही हूँ। बोल बोल के मेरा गला दुख गया। I need some water. नीति मेरे लिए पानी लेकर आना प्लीज। ओके जी। ये भी बच गया। दिस इज मैम। क्या हुआ? मैडम वहाँ कौन से पैटर्न के फूल लगाने? सेम कलर या मिक्स? ये भी मैं तुम्हें बताऊँ। मैं सब कुछ बताऊंगी तो तुम क्या करोगे? जाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, काम करो थोड़ा सा। हाँ शायना बोल, तुझे क्या चाहिए पार्टी के लिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, आई डोंट वांट एनीथिंग। ओके एक्चुअली मैं मार्केट जाने वाली थी, सोचा तेरे लिए अच्छे गजरे ले लूं। और वैसे भी सब तुझसे मिलने आने वाले हैं, कोहली परिवार की नई बहू से। तो तू अपनी ड्रेस के साथ पहनेगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लिसन सायना, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग। ओके बस तू जल्दी से आ जाओ और टाइम पे आना। ओके मैं तुझसे बाद में बात करती हूं, आई हैव लॉट ऑफ वर्क। ओके बाय बाय बाय। मैडम। हाँ मैडम, इसे कहाँ लगाना है और ये सब कहाँ लगाऊं? मेरे सर पे, मुझे समझ में नहीं आता। अगर मुझे सारी चीजें आप लोगों को बता रही तो फिर आप लोगों को मैंने हायर क्यों किया है? मैडम हम लोग क्लाइंट के पसंद पे चलते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बाद में आप ये कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया तो फिर ऐसे अगर काम करती रहे तो रात भर मैं आप लोगों के साथ काम ही करती रहूंगी। नीति पानी का ग्लास दो। ओह गॉड, मैं तो काम करते करते थक गई। एक काम करो नीति, कौन सी चीज कहाँ लगानी है तुम बता दो ठीक है? आई एम वेरी टायर्ड। मैं बताओ, रणबीर के जाने का टाइम हो गया, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो। ओके कब? मैम हाँ। और ये सब कहाँ लगाना है? सर आप एक काम करिए, इसे ना अपने घर की पार्टी समझिए और जो चीज जहां मन करे ना लगा लीजिए। चल नहीं हो रहा, मुझे क्या देख रहे हो? दरवाजे पे कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हें देखने और घूरने में मतलब नहीं समझ में आता, मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। घूर के डराना चाहता हूँ क्योंकि बातों से तुम्हें फर्क पड़ नहीं रहा, सोचा अपनी आंखों से कुछ कर लूं। क्या ना मुझे देखने के लिए घूरने के लिए पूरा दिन पड़ा है, फिलहाल ये दरवाजे को घूरू, दरवाजे को खोलू। पता नहीं क्या कंफर्ट मिलता है इस बात में, दरवाजा तो खुलता ही नहीं है। क्या बोला? मैंने बोला कि पता नहीं क्या कंफर्ट मिलता है तुम्हें इस सो कॉल्ड लैविश बाथरूम में जिसका दरवाजा बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये डोर मेरी तरह है? हाँ, एक बार अटक गया तो अटक गया। मैं अटक गया हूँ क्या? तुम्हारी तो सुई अटकी थी ना, यही ना होगा यही ना होगा, फिर तुम्हारी आंखें अटक गई, इसी को घूरूंगा इसी को डराऊंगा। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल बंद थी ना, साधना करी थी तुम भगवान की, तुम भी तो घूर ही रही थी ना मुझे। खोल लो इसे, मुझसे नहीं खुल रहा है। तो तुम्हें तो अभी लग रहा होगा ना मैं जानबूझ कैसा कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे खोलने का मौका मिले। लो खोलो खोलो। पागल है, रह रहे कि ना इस दरवाजा भी अपनी तरह हो गया। क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि इस बाथरूम का दरवाजा तुम्हारी तरह हो गया, अटक जाता है तो खुलता ही नहीं है। प्राची, रिया, रिया मैं यहाँ हूँ, यहाँ बाथरूम में। प्राची तुमने रणबीर को देखा? हाँ देखा। कहाँ है? कहाँ देखा तुमने उसे? प्राची मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुमने रणबीर को कहा?
तुम प्राची के बाथरूम में क्या कर रहे थे? मैं प्राची के बाथरूम में नहीं था, वो मेरा बाथरूम है। मेरे बाथरूम में प्राची थी, ये मेरा रूम है। प्राची का ही है। प्राची रहती है ना इस कमरे में, तो इस कमरे की सब चीजों पर प्राची का हक है, ये सब उसका है। तो कल को प्राची अगर ये बोलेगी कि रणबीर भी उसका है तो आप मान लेंगी? हाँ मान सकते हैं रणबीर, क्योंकि वो जो जो बोले जा रही है ना, तुम उसे सही प्रूफ करने में लगे हुए। एक सेकंड, मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ उसको? रणबीर, हमने देखा तुम अंदर प्राची की केयर कर रहे थे। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब नहीं रणबीर, प्राची ने ऐसा कहा। अरे उसके बोलने से क्या होता है, हम अंदर लॉक हो गए थे और हम कोशिश कर रहे थे बाहर आने की, हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, इट वाज लॉक्ड। अगर सच में ऐसा होता ना रणबीर, तो जब मैं यहाँ आई थी ना प्राची से पूछने के लिए कि कहीं उसने तुम्हें देखा है कि नहीं, तो तुम पलट के जवाब देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम... अरे मैं जवाब देने वाला था लेकिन मैं नहीं देख पाया। बस प्राची से दूर रहो, उसने खुद बोला है कि वो यहाँ क्या करने आई है। लिसन रणबीर, कोई माने या ना माने, प्राची तुम्हें अपना पति मानती है। You are legally wedded to her, rightfully. तुम्हें अपनी लाइफ से एक लड़की को हटाना है और वो लड़की है प्राची। रणबीर, तुम खुद समझदार हो, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, यू डिसाइड। प्राची जो कर रही है ना, वो मैं भी कर सकती हूँ। वही हक मैं भी तुम पे जता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे ना तुम्हारे नुकसान होगा, क्योंकि लोगों से तो मैं जाके कह दूं कि मुझे तुमने प्रपोज किया था शादी के लिए और मैंने हाँ की, और लोग तो यही अज्यूम करेंगे ना कि मैंने तुमसे शादी कर ली बिना जाने कि तुम्हारा और प्राची का ऑफिशियली और लीगली सेपरेशन नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। बोलो, करूं मैं ऐसा? हाँ, कितनी सेल्फिश हो तुम रिया। बेचारी रणबीर को ब्लैकमेल भी करने लगी। नहीं, बेचारा नहीं है वो, ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों ने मुझे धोखा दिया है। देखो रिया, मैं अंदर उसकी केयर नहीं कर रहा था, मैं वहां पे सिर्फ खड़ा हुआ था और एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने उसका ख्याल रख लिया। जैसे तुम्हारे सामने एकदम से कोई मुसीबत ना आ जाता है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उसका ख्याल रख लेते हो, मैंने वैसे ख्याल रखा उसका। झूठा, भरोसा करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अभी के लिए मान लेते। क्यों बोला तुमने रिया को कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था अंदर? ख्याल नहीं था, और क्या था वो? मैंने सिर्फ तुम्हारे बाल पकड़े थे और तुम्हारी पीठ थपथपाई थी। और जो पंखा किया था उसका क्या? और तुम्हें अच्छे से पता था ना कि अगर तुम रिया को जाके बोलोगी तो हमारा झगड़ा होगा। तुम रिया से डरते क्यों हो इतना? पति हो ना उसके, क्या गुलाम बन गए? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बस तुम दोनों बहनों के बीच में पिसना नहीं चाहता हूँ ऐसे। देखो, पिसना तो होगा ही, क्योंकि ये जो चक्की है ना दोनों बहनों की, वो तुम्ही ने बनाई। एक की जिंदगी में होते हुए दूसरे को लाए हो, अब लाए हो तो भुगतो। तुम्हारे से मैं अगर मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे अपने इशारों पे नचाओगी। तुम्हारी जो ट्रिक थी ना, मैं अगली बार सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, रोक नहीं सकोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी जो रिया है ना, उससे रत्ती पर भी भरोसा नहीं है तुम पे। इस मामले में तो तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, क्योंकि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा तो है नहीं। तुमने कहा तुम बदल गई हो, पर इतना तो मत बदलो कि तुम में और रिया में कोई फर्क ही ना रह जाए। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, तो मुझसे बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगी। तुम मुझे दर्द देने के लिए मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगी। फीलिंग्स, इन वर्ड्स का मतलब भी पता है तुम्हें? इनका मतलब जानने के लिए ना सीने में दिल होना जरूरी होता है, जो कि तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। माना मुझे इस चीज का एहसास नहीं है, पर मुझे पहचान है। दर्द, दर्द वो है जो तुम्हारी आंखों में अभी हो रहा है। फीलिंग्स वो है जो तुम महसूस करती हो जब तुम मेरे पास आती हो। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए ना, तब तुम मुझे अपने दर्द और अपनी फीलिंग्स के बारे में आराम से बताना।
थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। बातें सुनने के बाद किसी को भी लगेगा तुम एक अच्छे इंसान, जो तुम बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने देखा उसके बाद बातों से ज्यादा आंखों पे भरोसा करने लगी हूं। That was a really good one, you know? सब तुम्हें देखेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम स्टेज पे चले जाओ, वहां जाके एक सैड सॉन्ग गा लेना। जब थूक भरी आवाज में गाना गाओगे ना, सब तुम्हें देखेंगे। गाना तो मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रही हो? तुम ये जितना चहक रही हो, हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो ना, उतना ही तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो नजर आ रही। और जितना हंसोगी ना, वो तकलीफ दिखती जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या नजर आ रही है तुम्हारी हंसी में? तुम्हारी हार। क्या? आई नो कि डीप डाउन इन योर हार्ट तुम्हें पता है, जब रणबीर ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो भागी का परिवार तुम्हें क्या ही एक्सेप्ट करेगा, है ना? मुझे पता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर में डर लग रहा है पार्टी में आने से। बिकॉज यू नो दैट यू आर एन आउटसाइडर। तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं रणबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर सबके सामने एज हिज वाइफ इंट्रोड्यूस कर दिया तो तुम कहां जाओगे, क्या करोगी तुम? जिस घर में तुम सर उठा के आई थी, उसी घर में तुम्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा होगा प्राची, आज की पार्टी में रणबीर अपनी रियल वाइफ के साथ एंजॉय करेगा और तुम देखोगी। अब कहने के लिए तो ये रेनू की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी, पर एक्चुअल में तो रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है। वेट व्हाट? तुम्हें नहीं पता था? आई एम सो सॉरी कि तुम्हें पता नहीं था। एक्चुअली ये स्मार्ट आइडिया ना मम्मी का ही था, उन्होंने ये सब प्लान किया है। रेनू की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी बोलकर दरअसल रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। एंड एज आई सेड, मम्मी मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाएगी एज रणबीर्स वाइफ। पार्टी के स्टार कपल तो रणबीर और मैं ही होंगे। तुमने मुझे आज सुबह वॉशरूम में क्या कहा था कि रणबीर तुम्हारी केयर कर रहा था, पर वो तो किसी ने नहीं देखा। और सब देखेंगे कि रणबीर मेरी कितनी केयर करता है और वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। तुम भी देख लेना। और ऐसा होगा प्राची, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं रणबीर की लाइफ हूं और तुम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मैं रणबीर का प्राइड हूं और तुम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गिल्ट। इसलिए आखिरी बार कह रहे हूं कि इस पार्टी में मत आना, और अगर फिर भी आना चाहो देन इट्स ऑन यू। वैसे मैं बता दूं कि ये पार्टी इट्स ओनली फॉर फैमिली फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर फिर भी आना चाहो तो मतलब इंसल्ट करवा के आना चाहो तो आ जाओ। पार्टी में बहुत सारे वेटर्स आए हुए, एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें अगर इसी तरह अपनी इंसल्ट करवा कर समझना है तो यही सही। हम भी समझ लेंगे कि रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी के साथ साथ हमने तुम्हारी फेवरेट पार्टी भी सेलिब्रेट कर ली। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी।
और तुम्हारी ये सो कॉल्ड पार्टी एंजॉय करने में, ये देखने कि जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं जब वो टूटते हैं तो आंखों में कितनी जोर से चुभते हैं। खुद को बहलाना ना बंद कर दो प्राची। और सपना तुम देख रही हो या मैं, ये बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। इट्स अप टू यू, तुम ये पार्टी लाइव देखना चाहो या आई हैव एन आइडिया, तुम एक कोना क्यों नहीं पकड़ लेती, वहां से व्यू भी अच्छा रहेगा, पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम्हें सब नजर आएगा। एंड डोंट मिस द बेस्ट पार्ट, जब रणवीर मेरी बाहों में होगा, रणवीर सिर्फ मेरा होगा। यू नो समथिंग प्राची, मेरे लिए ना सबके सामने रणवीर को अपना बनाना रणवीर के साथ सुहागरात मनाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जब ये तुम्हारे सामने होगा तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। वैसे तुम इस घर में दोबारा क्यों आई हो, जी रही थी ना तुम, अकेली थी तो रणवीर की अच्छी यादें थी, नहीं अब इन यादों के साथ तुम जी पाओगे। सैड, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ लोग मर मर के भी तो जीते हैं। आई फील सो बैड फॉर यू, सच बताओ तो मैं बहुत गुस्से में आई थी, लेकिन अब तुम पे दया आ रही है। चलो कोई बात नहीं, गुस्से में आई थी पर अब तुम्हें सेंड ही करती हूं। आई एम गेटिंग लेट, गेस्ट आने वाले हैं, आई हैव टू गेट रेडी। वन सेकेंड। अब तुम पार्टी में आ रही हो या नहीं आ रही हो प्लीज मुझे बता देना, अगर आ रही हो तो फिर थोड़ा तुम्हारे लिए भी रेडी हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता ये रिया क्या करने वाली है, पर एक बात पक्की है, ये पार्टी मुझे नीचा दिखाने के लिए अरेंज की गई है। किसी रेनू की एनिवर्सरी पार्टी के नाम पे रिया की रिसेप्शन पार्टी की जा रही है।